हिमाचल में पहाड़ी गाय के दूध और पहाड़ी नस्ल की गाय को गौरी नाम देकर जल्द ब्रांडिंग शुरू की जाएगी। इससे हिमाचल के दूध उत्पादकों को दूध के सही दाम मिल सकेंगे। ये दूध शुद्ध और पहाड़ी गाय का होने के साथ साथ गुणवत्तापूर्ण भी होगा। इस बात की जानकारी पशुपालन मंत्री वीरेंद्र कंवर ने रामपुर में दी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में आवारा पशुओं से निजात पाने के लिए काऊ सेंचुरी का जल्द निर्माण किया जाएगा। इस माह के अंत तक पहली काऊ सेंचुरी का मुख्यमंत्री द्वारा लोकार्पण भी किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश में जल्द ही गौरी नाम से बाजार में पहाड़ी गाय का दूध सरकार लॉन्च करने जा रही है। इससे दुग्ध उत्पादकों को दूध के अच्छे दाम मिलेंगे और गाय के महत्व के बारे में भी उन्हें जानकारी मिल सकेगी। ये जानकारी पशुपालन एवं पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने किन्नौर जाते हुए रामपुर में एक बैठक के दौरान कहे। उन्होंने कहा कि दुग्ध उत्पादकों की आर्थिक स्थिति सुधारने के साथ गाय पालन लाभकारी हो, इस दिशा में हिमाचल सरकार तेजी से काम कर रही है। कंवर ने बताया कि पहाड़ी गाय के दूध को गौरी नाम से ब्रांडिंग किया जाएगा। जल्द ही एक बड़े कार्यक्रम में मुख्यमंत्री द्वारा इसको लॉन्च किया जाएगा। कंवर ने कहा कि इससे लोगों को मिलावटी दूध से निजात मिलेगी और हिमाचल आने वाले लोगों को शुद्ध पहाड़ी गाय का दूध मिल सकेगा। उन्होंने बताया कि पहाड़ी गाय के संरक्षण और संवर्धन के लिए एक परियोजना केंद्र सरकार को भेजी गई है और गौरी नाम से हिमाचल में पहाड़ी गाय को पहचान दिलाई जाएगी। इसके लिए केंद्र सरकार ने सिद्धांतिक मंजूरी भी दे दी है। उन्होंने बताया कि गाय बछड़ा पैदा ना करे, इसके लिए हिमाचल में सीमन लैब स्थापित की जा रही है। इसकी स्थापना के लिए केंद्र सरकार ने पहली किस्त भी जारी कर दी है। वीरेंद्र कंवर ने बताया कि प्रदेश के हर जिला में काऊ सेंचुरी स्थापित की जा रही है। इसके लिए 12 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है। पहली काऊ सेंचुरी का मुख्यमंत्री इस माह के अंत में लोकार्पण करेंगे। उसमें जो है वो शुद्ध गाय का दूध जो है वो गौरी नाम से जो है वो हम इस ब्रांड को जो है वो जल्दी लॉन्च कर उधर चक्कर में जब जब इसका जो है वो इस महीने के सेशन के बाद हम एक बड़ा कार्यक्रम करके जो है उसकी लॉन्चिंग जो है वो कराने जा रहे हैं और उसका जो है वो हमें गाय के दूध का ज्यादा रेट मिलेगा। अगर ज्यादा रेट मिलेगा तो किसानों को भी हम ज्यादा रेट जो है वो देंगे। गौ सेंचुरीज बना रहे हैं, गौ अभ्यारण बना रहे हैं और इसका एक शुरुआत माननीय मुख्यमंत्री ने कोटला ग्रुप से की है। ऐसे ही हम हर जिला के अंदर जो है वो आज काम चला हुआ 12 करोड़ रुपया जो है वो हमने जारी किया है और आज इस महीने के अंत तक जो है वो पहला गौ सेंचुरी है जिसका माननीय मुख्यमंत्री जी लोकार्पण करेंगे और दूसरा जो बैल हैं इनकी संख्या को कंट्रोल करने के लिए हमने जो है वो सेक्स सॉर्टेड सीमन हम लैब जो है वो हिमाचल में स्थापित कर रहे हैं और वो पैसा जो है वो केंद्र से हमको स्वीकृत हो गया है। पहली किस्त जो है वो आ चुकी है, जल्दी ही इसके ऊपर जो है वो सरकार निर्णय ले रही है और उसी तरह गाय। कार्यक्रम में वक्त हो गया है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जारी रहेंगी प्रदेश की गतिविधियां।